जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सबको मैं बता दूं कि इस टाइम शाम के बज चुके हैं 6:30। तो हमारा प्लान बना है कटरा जाने का, तो बस अभी हम निकलेंगे कटरा के लिए। तो गाड़ी है तैयार और अभी हम निकलते हैं कटरा के लिए। मैं आपको बता दूं कि प्लान बन चुका है विशाल में गमाट जाने का। तो अभी हम विशाल में गमाट के बाहर हैं, तो मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूँ। गाइस इस टाइम हम खड़े हैं विशाल मेगा मार्ट के बाहर, आप देख सकते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट के बाहर खड़े हैं फिलहाल, अंदर तो नहीं गए। अंदर क्या करना है, जाके कुछ लेना तो है नहीं, इससे अच्छा अंदर जाने कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं कुछ करते हैं, कुछ अलग तो बनता ही है करना, अब इतनी दूर से हैं तो कुछ तो करते हैं। मुझे मिले हैं एक अंकल, तो अभी हम बनाएंगे उनका कंटेंट। अंकल कहाँ से हो आप? अंकल एक मिनट, जस्ट व्लॉगिंग है अंकल, वीडियो है अंकल, एक मिनट सिर्फ। तो गाइस अंकल आना नहीं चाहते वीडियो में, क्या कर सकते हैं अगर अंकल नहीं आना चाहते वीडियो में, अंकल आना ही नहीं चाहते। हेलो, तो गाइस अंकल तो आना नहीं चाहते वीडियो में, तो अब क्या कर सकते हैं, हमारी तो बेइज्जती हो गई यार। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। वैसे लाइटनिंग बहुत सही है जो विशाल में, पीछे देखो मेरे क्या लाइट है, वो देखो विशाल में गमाट। सो गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी के पास, तो अब हम चलेंगे कटरा की और निकलेंगे। तो मिलते हैं अब हम आपको गाड़ी में। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं पहुंच चुका हूं कटरा और रात के बज चुके हैं 10। तो इस टाइम मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं आपको सुबह बताऊंगा मैं कहां आया था, किसके घर ठहरा हूं और क्यों आया हूं कटरा में। तो ठीक है, जय माता दी, मिलते हैं सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम सुबह के बज चुके हैं 9। तो मैंने आपको रात को कहा था कि मैं आपको बताऊंगा मैं किस कारण से आया था, तो बात यह है कारण कोई नहीं है, जस्ट ऐसे ही घूमने के लिए आया था। एक्चुअली मैं अपने बूजी के घर आया हूँ सिर्फ घूमने के लिए, ऐसे ही मन कर रहा था कहीं घूमने जाऊँ। तो रात को मेरी बूजी आए थे, तो जस्ट मैं उनके साथ यहाँ पर घूमने आया था और आज वापस भी जा रहा हूँ घर पे। थोड़ी देर के बाद हम वापस निकलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ व्यू पहले, क्योंकि यहाँ से जो माता वैष्णो का पर्वत है यानी त्रिकुटा पर्वत, वो यहाँ से मतलब बिल्कुल सही सा दिखता है। सबसे पहले हम चलते हैं इनके छत पर, ठीक है, छत पर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा व्यू। तो चलो। सो गाइज चलो चलो आई। एक्चुअली बात ऐसी है, इन्होंने न्यू घर बना रहे, मतलब डबल स्टोरी, तो थोड़ा गंद बड़ा हुआ है जिससे मतलब चलने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो लेकिन कोई बात नहीं, बस पहुंच गए। वाओ व्यू, क्या सही व्यू है, देख सकते हो आप मेरे पीछे जो व्यू है। अब मैं आपको यहाँ से सबसे पहले दिखाता हूँ त्रिकुटा पर्वत, यानी जहाँ पर माता वैष्णो है वो मेरे सामने है एकदम। तो मैं आपको पहले व्यू वो पर्वत दिखाता हूँ। सो वो जो सामने आपको एकदम पर्वत दिख रहा है वो है त्रिकुटा पर्वत। तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ, वो देख सकते हो आप, आप देख सकते हो वो त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पर माता वैष्णो है, साफ साफ रास्ता दिख रहा है। मतलब कटरा में जो भी है ना लुक, वही माता वैष्णो की लुक है सबसे सही। तो इस टाइम जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरी यहाँ से पीछे भी क्या लुक है, देखो क्या सही नज़ारा है यहाँ से एकदम पीछे। वो पीछे मेरे सामने त्रिकुटा पर्वत जहाँ माता वैष्णो है, तो देख सकते हो आप क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, जैसे यहाँ से तगड़ा वाला व्यू आ रहा है, पीछे पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल, क्या व्यू है। तो ठीक है, अब एक बार आपको मैं फिर व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, ये देख सकते हो आप। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ उधमपुर और करते हैं ब्लॉग का एंड, लेकिन यहाँ पर लगा है बहुत सारा जाम, आप देख सकते हैं। करते हैं ब्लॉग का एंड, जय माता दी।